हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सभी। राधे राधे। तुलसी विवाह के दिन ऐसे करें, माता तुलसी का श्रृंगार, जाने कैसा मंडप बनाना होता है शुभ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर दें। हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को देवी का दर्जा दिया गया है। यहाँ तक कि तुलसी को भगवान विष्णु की पत्नी माना जाता है। देव उठनी एकादशी के एक दिन बाद बड़ी ही धूमधाम से देवी तुलसी का विवाह भगवान विष्णु के स्वयं रूप शालिग्राम से कराया जाता है। इस साल ये पर्व 13 नवंबर को मनाया जाएगा। कहते हैं कि इस दिन तुलसी विवाह करने से सुख समृद्धि और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इस शुभ दिन पर विवाह के लिए खास तैयार से मंडप सजाकर डेकोरेशन की जाती है और देवी तुलसी को 16 श्रृंगार कर सजाया जाता है। इस दिन भगवान शालिग्राम को विशेष रूप से तैयार करने का विधान है। आज हम आपके साथ मंडप डेकोरेशन और माता तुलसी को सजाने के कुछ आइडियाज शेयर करने वाले हैं, जिन्हें फॉलो कर आप इस दिन को खास बना सकती हैं। तुलसी विवाह के दिन तुलसी माता का श्रृंगार करने से पहले कुछ जरूरी चीज़ें भी आपको कर लेनी चाहिए। तुलसी विवाह वाले दिन तुलसी के पत्तों को तोड़ने की मनाही होती है, इसीलिए एक दिन पहले ही सूखे और काले पड़ गए पत्तों को छांटकर अलग कर लें। और तुलसी विवाह वाले दिन सुबह ही सुबह सबसे पहले तुलसी माता को स्नान कराएं। इसमें एक एक पत्ते को अच्छे से साफ कर लें ताकि कोई धूल ना लगी रहे। इसके बाद गमले को भी अच्छे से साफ कर लें। कोई भी पुराना प्रसाद या फूल चढ़ा हुआ है तो उसे हटा दें। स्नान के बाद बारी आती है तुलसी माता के श्रृंगार की। इसके लिए सबसे पहले किसी लहंगे या पेटी कोट को गमले पर पहना दें। आप चाहें तो बाजार से सुंदर घेरदार स्कर्ट भी ला सकते हैं। इस शुभ मौके के लिए लाल, गुलाबी, हरे और पीले जैसे वाइब्रेट रंगों का इस्तेमाल करना बेहद रहेगा। लुक को थोड़ा और स्पेशल करना चाहती हैं तो एक खाली गमले को उल्टा करें और उसके ऊपर तुलसी का गमला रख दें। इससे गमले की हाइट काफ़ी बढ़ जाएगी। अब आप तुलसी माता को साड़ी या दुपट्टा पहनाकर बिल्कुल दुल्हन की तरह तैयार कर सकती हैं। तुलसी विवाह वाले दिन तुलसी माता का दुल्हन की तरह 16 श्रृंगार किया जाता है। इसके लिए आप तुलसी की टहनियों में लाल चूड़ियाँ पहना सकती हैं। इसके अलावा मोगरे का कजरा, हार, कमरबंद, बिंदी, बिछिया और सिंदूर जैसी चीज़ें भी आप आराम से तुलसी माता को पहना सकती हैं। गुलाब के भी आप आराम से तुलसी माता को पहना सकती हैं। गुलाब के फूल के अलावा काफ़ी दूसरे फूलों की माला पहनाकर आप तुलसी माता को एकदम दुल्हन वाला लुक दे सकती हैं। तुलसी विवाह वाले दिन शादी के लिए खूबसूरत सा मंडप भी बनाकर तैयार किया जाता है। इसके लिए गन्ने और केले के पत्तों का मंडप बनाना काफ़ी शुभ माना जाता है। आप अपनी साड़ियों की मदद से भी सुंदर मंडप तैयार कर सकती हैं। बांस पर साड़ियां लपेटकर एक भव्य मंडप बनाया जा सकता है। इसकी सजावट के लिए आप फूलों की लड़ियां या झालर का इस्तेमाल कर सकती हैं। मंडप में एक खूबसूरत रंगोली बनाना बिल्कुल ना भूलें। तो फ्रेंड, ये जानकारी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।